अस्सलाम वालेकुम, मैं रबाब जी। आप लोग देख रहे हैं किचन कुकिंग के चैट रबाब जी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन की गर्दनों का सालन। आए देखते हैं कैसे बने रहे। सबसे पहले चिकन को मैंने फ्राई करके रख लिया हाफ डन करके। अब ऑयल गर्म है, इसके अंदर दो अदद दरमियानी साइज़ की प्याज़ों को लाइट ब्राउन करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन की गर्दनों का सालन। चिकन की गर्दनों को ब्राउन करके हाफ डन करके रखी है। यहाँ दो अदद प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपनी गर्दनें डाल देंगे, चिकन की गर्दनें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ हमारी चिकन जो है वो अच्छे से प्याज के साथ जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है ये। टू टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। टू टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट था 2 टेबल स्पून। इसे जो अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि अच्छे से लहसुन अदरक की स्मेल निकल जाए और अच्छे से पक जाए। हमारे पास दही है, इसके अंदर ये मैंने मुर्गी मसाला बना के रखा है, ये डालेंगे। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसा हुआ धनिया है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट है, पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ गर्म मसाला है। ये मैंने बना के रखा है। अब इसे डाल के अच्छे से मिक्स करके और इसे अपने सालन में डाल देंगे। काली मिर्च है, इसके अंदर लौंग है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 टेबल स्पून डाले, ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेगी। और इसे हम अपनी चिकन की गर्दनों में डाल देंगे। हाफ कप पानी डालेंगे और इसे धीमी आंच पे अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी भी है, इसे अच्छे से पकने रख देंगे। और अगर नमक आपको कम लगे तो नमक आप ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। मैं नमक कम ही डाला है ताकि पक जाएगा तो मैं टेस्ट करके ऊपर से और डाल दूँगी। इसे ढक देंगे ताकि हमारी चिकन की गर्दनें अच्छे से गल जाएँ। यहाँ हमारे चिकन की गर्दनें जो है वो गल चुकी हैं, हमारा शोरबा गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर जो है हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। एक दो हरी मिर्चें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी चिकन की गर्दनों का सालन रेडी हो चुका है। कितना टेस्टी, कितना मज़ेदार, कितना यम्मी सा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने घर पर ट्राई लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।